गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 30 तारीख दिन मंगलवार, आजादपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मंडी में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या कुछ बाजार है, किस तरह का माहौल है और सुबह से लेकर के इस समय तक किस तरह का बिक्री रहा और फिलहाल जो है किस किस राज्य से प्याज आ रहा है और प्याज का यहाँ तक क्या क्वालिटी पहुँच रहा है। क्योंकि दोस्तों महाराष्ट्र से जो ये गाड़ी आती है जी, इनमें कई दिन लग जाता है, तो कई ट्रॉली कई प्रकार का होता है। जैसे ये लोहे वाला है जी, लकड़ वाला है, दोनों में अंतर रहता है जी प्याज के क्वालिटी मेंटेन रखने में। बाकी देखते हैं इस समय जो प्याज आ रहा है गर्मी के हिसाब से किस तरह का क्वालिटी मार्केट में पहुंच रहा है यहाँ पे और क्या भाव खुला है और फिलहाल जो है आने वाला समय प्याज के लिए कैसा रहेगा, ये सारा जानकारी देंगे जी इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी में। सर के पास जो ये गाड़ी लगी है जी, शायद ये राजस्थान का प्याज है सर के पास, और क्वालिटी दिखा देता हूँ मैं। देखो जी और एक इधर भी लोट है, एक बैक साइड भी है, बाकी इस लोट का भी आपको क्वालिटी दिखा देते हैं। देखो और इधर भी बैक साइड भी है। इसमें थोड़ा छिलका पत्ती कमजोर लग रहा है, आप वीडियो में शायद प्रॉपर दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, बट इसका छिलका पत्ती जो है कमजोर है जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जी आज का माहौल कैसा है, आज कितनी गाड़ी पहुंची यहाँ पे और क्या रेट खुला सर? 34 गाड़ी ताजी। अच्छा जी, ऊपर नीचे मिला के 130-132 गाड़ी है। अच्छा। जिसमें आज सबसे ज्यादा राजस्थान है, आज सबसे ज्यादा राजस्थान है। 28 गाड़ी के आसपास है। अच्छा। लेकिन हाँ, लेकिन राजस्थान जो होता है 12 टन 15 टन वजन होता है। अच्छा। बाकी 21 गाड़ी के आसपास पूना है। अच्छा। 18 गाड़ी के आसपास नासिक है, 4-5 गाड़ी MP है, 2-3 गाड़ी खंडवा है, बाकी बैलेंस है माल। 53 गाड़ी नीचे बैलेंस है 54 गाड़ी का, और ऊपर नीचे मिला और खड़ी गाड़ी हो गई 80-82 के आसपास, जिसमें 34 गाड़ी ताजी है। तो सर जी अगर बात करें टोटल मिला करके इस समय कितना गाड़ी टोटल हो गया सर? टोटल ऊपर नीचे मिला के 130-132 गाड़ी के आसपास। 130-132 मतलब वही पिछले हफ्ते का? हाँ। लगभग चल रहा है। तो सर जी अगर बात करें भाव का स्टेट के हिसाब से तो आज क्या भाव खुला जी? आज पीछे 1 रुपए टाइट है। अच्छा। टाइट यहाँ भी बोल रहे हैं सब, लेकिन ग्राहकी में पावर नहीं। तो सर सुबह से लेकर के आजादपुर में अभी तक दोपहर हो रहा सर 1 बज गया, तो कैसा मतलब देखने को मतलब बिक्री कैसा रहा जी? 15 दिन से बिक्री का हाल यही है, करीब 15-20 दिन से। अच्छा जी। 30-40 गाड़ी के आसपास माल बिकता है, वो सुबह से लेके शाम तक धीरे 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 बिकता रहता है। अच्छा। कुल मिला के पावर नहीं है, बिक्री में पावर नहीं। और सर जी बात करें भाव का स्टेट वाइज एक बार राज्य के हिसाब से रेट बता दीजिए, किस राज्य का कितना बाजार चला? महाराष्ट्र जो है वो चाहे नासिक हो चाहे पूना बेल्ट हो, बढ़िया माल जो बिकेगा वो 18-20 रुपए, हल्के माल का कोई रेट नहीं। राजस्थान जो है वो बिकेगा 12 रुपए से लेके 17 रुपए तक, चूंकि इसमें सर्दी वाली और गर्मी वाली दोनों प्याजें आ रही हैं। हाँ, जो राजस्थान में सर्दी वाली प्याज थी वो बिक रही है 12 रुपए से 13-14 रुपए, जो गर्मी वाली आ रही है वो 14 रुपए से लेके 16-17 रुपए तक। MP की क्वालिटी अभी बहुत वीक आ रही है, MP अभी क्वालिटी मेंटेन नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी अभी नहीं कह सकते हो, होगी तो ही लेकिन अभी नहीं आ रही है। MP आप समझ लो 14-15 रुपए से लेके 18-19 रुपए तक, जैसा माल वैसा भाव। 14-15 से लेके 13-14 रुपए से लेके 18-19। हाँ जी 18-19 रुपए। और सर जी नासिक अगर बात करें, नासिक का जो प्याज है डाउन में क्या रेट है? नासिक जो बिक रहा है वो समझ लो आप 700 रुपए से लेके 800 रुपए की मार्केट है, लेकिन क्वालिटी अभी वीक है। आ रहा है जो भी माल आ रहे हैं वो, अब जैसे 18 गाड़ी है तो इसमें 10 गाड़ी या 8 गाड़ी ऐसी होगी जो 18-20 रुपए बिकेगी, बाकी इसी में जलगांव भी आ जाता है तो सब 17-18 रुपए ही बिकेंगे। अच्छा।
और फिलहाल सर जी कई भाई बोलते हैं कि जो क्वालिटी दिखाते हुए रेट बताइए थोड़ा सा। तो जैसा कि अपने पास तीन लोट है जी, ये वाला जो लोट है सर जी, इसमें थोड़ा क्या क्या कमी है और क्या रेट बिका सर? इसमें सिंगल पत्ती है, ये 55 सिटी की प्याज है राजस्थान की। अच्छा जी, ये बिका है 14 रुपए का, 560 रुपए मन। अच्छा जी, हाँ जी। और इधर जो देखने को मिलता है ये नासिक का है, जलगांव। हाँ, ये 720 रुपए बिका है। 18 रुपए। और जो इससे सुपर क्वालिटी का सर? इससे सुपर फिर 19-20 रुपए हो जाएगा। और ये जो है सर अपना पास, वो भी कुचामन सिटी की प्याज है, तो वो 15 रुपए किलो बिका है। इसमें क्या डिफरेंस देखने को मिला सर? उसकी पत्ती अच्छी है। अच्छा जी। इसकी पत्ती सिंगल है। अच्छा। उसकी पत्ती डबल है, मतलब पत्ती का भी रेट है। हाँ, पत्ती और चमक का, उसकी साथ रेट है। प्याज की जान ही है पत्ती और गोलाई और चमक। जी जी, बस ये दो तीन चीज प्याज को खूबसूरत बना। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अभी अगर बात करें प्याज का, थोड़ा सा भविष्य के बारे में बात कर लेते हैं, तो कैसा रहने वाला समय सर? भविष्य अच्छा रहने वाला है। अच्छा, पिछले 3-4 साल से अब की बार भविष्य अच्छा रहेगा। अच्छा जी, मतलब पिछले जो 3-4 साल जो गए किसान भाइयों के, मतलब इस साल जिन किसान भाइयों ने प्याज लगाया उनको मतलब उचित रेट मिल जाएगा? हाँ, मिलेगा। और फिलहाल सर जी अभी अगर बात करें जो मतलब बाहर के मालों का, जो बाहर जा रहे हैं माल, अभी कुछ क्वांटिटी बढ़ाया गया है या फिर सिमिलर है जी? अभी 3-4 दिन से अब अफवाह है या सत्यता है वो तो ईश्वर जानेगा कि 1,00,000 टन एक्सपोर्ट प्याज और होगी। 1,00,000 टन। अच्छा, 1,00,000 टन बढ़ेगा मतलब? हाँ, 1,00,000 टन प्याज एक्सपोर्ट होगी यानी कि बाहर जाएगी। अच्छा। अब कौन खरीदारी करेगा, कब करेगा, अभी इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। मतलब अभी प्रॉपर तरीके से अभी कोई मतलब खबर नहीं निकला। हाँ, अब पता नहीं हवा हवाई है या सत्यता है, वो तो ईश्वर ही जानेगा। मतलब अभी ऊपर ऊपर ही है जो भी। हाँ। अच्छा। तो अगर बात करें पीछे के प्रोडक्शन मंडियों का, तो जिस तरह का यहाँ पे सिचुएशन है फिलहाल, बैलेंस ज्यादा रह रहा है, बिक्री कम हो रहा है, तो उधर प्रोडक्शन मंडियों का क्या हाल है? प्रोडक्शन मंडियों में नासिक पूरा बिल्ट 12 रुपए से लेके 16 रुपए मार्केट है। एक आध 2 लाट ऊपर चले जाए बात की बात है, लेकिन 14-15-16 वाली जो भी प्याजे हैं वो सब स्टॉक में जा रही हैं। अच्छा, जो हाँ, जो 12-13-13.5 के आसपास जो माल है वही मंडियों में बिकने के लिए जा रहे हैं। अच्छा। तो सर जी अभी फिलहाल जो है, जो ये जो गाड़ियां हैं जी, अभी इन गाड़ियों को आने में 3-4 दिन का समय लग जाता है यहाँ पे आने में, तो जो लोहे और लकड़ी की गाड़ियां हैं सर, तो इसमें क्या कमी देखने को मिला है, या फिर जो गर्मी में आ रहा है प्याज, चाहे लकड़ी की गाड़ी हो या फिर लोहे की हो, तो क्या कमी देखने को मिला प्याज में? प्याज के लिए लकड़ी की गाड़ी अच्छी होती है। अच्छा। चूंकि नीचे जब जो लकड़ होता है उसमें स्पेस होता है जी, तो हवा पास होती रहती है। अच्छा। तो अगर गाड़ी 1-2 दिन लेट भी हो जाती है बाई दबे, तो माल का नुकसान नहीं होता है, चांस कम होते हैं। अच्छा। लेकिन जो लोहे की बॉडी होती है तो उसमें हवा पास नहीं होती है, तो अगर 1-2 दिन अगर मान लो गाड़ी बाई दबे लेट हो जाती है तो नीचे के कट्टों में थोड़ा धब्बे की शिकायत आ जाती है। अच्छा। और सर जी और कुछ सेफ्टी हो सकता है क्या, मतलब जो व्यापारी भाई या फिर किसान भाई दिल्ली माल भेजे, तो उनका प्याज एकदम सेफली आ जाए यहाँ पे बिना किसी नुकसान का? नहीं, माल तो सेफ ही आता है जी, ऐसी बात नहीं है, ड्राइवर पूरी सेफ्टी रखता है जी, नहीं मतलब जैसे गर्मियों के दिन में उमस का शिकायत देखने को मिलता है, इससे प्याज थोड़ा सा डैमेज होने का कट्टों में मतलब? हाँ, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि लकड़ की गाड़ी हो। अच्छा। लेकिन ये उन व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए है, जैसे एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, बाकी राजस्थान वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये तो लोकल ही है। हाँ, एक दिन का ही सफर है यहाँ, ये तो लोकल है, 10 घंटे में गाड़ी लग जाती है, 12 घंटे में। अच्छा। रोड नंबर 1 है अब तो। सर जी एक बार शॉप नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए सर। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर 9311 1899-74। धन्यवाद। ओके सर।